तो पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी हक्कल रूल के बारे में, और हक्कल रूल को एनुलिन्स के ऊपर अप्लाई भी किया था। अब कुछ चार जिंक्स के ऊपर अपन हक्कल रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये सिस्टम एरोमेटिक हैं, एंटी एरोमेटिक हैं या दोनों ही नहीं हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, अपने पास ये प्लेनर है और मोनोसाइक्लिक है, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, और इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक होगा। इसी तरह से इसमें चलते हैं, इसमें चार पाई इलेक्ट्रॉन आ गए और बाकी तीनों कंडीशन वही हैं, प्लेनर, मोनोसाइक्लिक और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मोनोसाइक्लिक है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसी तरह से उन चारों प्रॉपर्टीज को इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास एंटी एरोमेटिक आएगा। इसमें छः पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक, इसमें भी छः पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने पास एरोमेटिक, बाकी तीन कंडीशन और हैं, प्लेनर, मोनोसाइक्लिक और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड, वो कंडीशंस भी ये सिस्टम से फुलफिल कर रहे हैं। जरा इसकी बात करें अपने पास, इसमें अपने पास एट पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ये अपने पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, प्लेनर, मोनोसाइक्लिक, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड, ये अपने पास है, एरोमेटिक हो गया। ये टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये अपने पास एरोमेटिक हो गया। ये अपने पास टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एरोमेटिक हो गया। ये अपने पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कितना, 14, तो ये अपने पास एरोमेटिक हो गया। इसी तरह से इसके अंदर देखो, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अपन जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऊपर एन के ऊपर ले जाएं और इस डबल बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले आएं, तो यहाँ लाते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इस रिंग में अपने पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, अर्थात ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ध्यान रहे ये बीच वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको अपने को काउंट नहीं करना है। इसी तरह से इस रिंग में देखेंगे, ये भी बेंजीन की तरह है, अपने पास बेंजीन रिंग है, ये भी क्या हो गया अपने पास है, एरोमेटिक है। इसी तरह से इसमें अप्लाई करें, ये भी एरोमेटिक रिंग है अपने पास, ये भी एरोमेटिक रिंग है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर देंगे, ओ पे नेगेटिव चार्ज ले आएंगे, तो इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अर्थात ये भी रिंग भी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी अपने पास। इसी तरह से इसमें देखेंगे अपने पास, इस ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करेंगे, और काउंट करेंगे तो अपने पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी एरोमेटिक हो गया अपने पास। और ये लिखा हुआ है नॉट परफेक्ट एरोमेटिक, ये आप जेरी मार्च में देखना, लगता तो ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डीलोकलाइज नहीं होते रिंग के अंदर, क्योंकि बीच में कहाँ से रह जाएंगे, अपने पास ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पर भी पूरी तरह से डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, तो ये परफेक्ट एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। और लिखा हुआ भी होना कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, तो आप इसे नॉन एरोमेटिक में ही कंसिडर करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे रखी हैं, इन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे भी रिएक्शन करके जो उत्पाद है उसको एरोमेटिक बनाना है। जैसे यहाँ से एक Cl- निकाल देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात ये रिंग क्या बन जाएगी, एरोमेटिक बन जाएगी, और ये देखो अपने पास क्या बन गई, एरोमेटिक रिंग बन गई। इसी तरह से यहाँ से Cl- हटा देंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये रिंग भी क्या हो गई अपने पास, ये भी एरोमेटिक हो गई। इसी तरह से इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 लिथियम आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो 6 तो पहले से थे, 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 8, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितने हो गए, 10, अर्थात ये अपने पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो ये क्या बन गया अपने पास, ये एरोमेटिक रिंग बन गई अपने पास, तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से यहाँ से 2 Cl हटा देंगे, ये वाला Cl हटा दें और ये वाला Cl हटा देंगे, तो दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये भी क्या बन गया, एरोमेटिक सिस्टम बन गया। कुल मिलाकर इन रिएक्शंस में इस प्रकार से करना है कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक बन जाए। यहाँ पे अपने पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 लिथियम आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो ओवरऑल 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ये भी क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया अपने पास। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 सोडियम एटम्स से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर जाएंगे, और ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा अपने पास, एरोमेटिक बन जाएगा। इसी तरह से ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, और ये भी क्या बन गया अपने पास, एरोमेटिक बन गया। इसी तरह से इसमें देखेंगे अपन, यहाँ पर अपने पास अभी ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिए जाएं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा अपने पास, एक H- निकल चुका है जो लिथियम हाइड्राइड के रूप में इधर है अपने पास, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास, एरोमेटिक सिस्टम बन गया। अब अपन जरा
इसकी बात करते हैं एंथ्रासीन की, तो एंथ्रासीन के अंदर देखो ये जो 9 और 10 पोजिशन हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं बजाय अन्य पोजिशंस के, क्योंकि यदि जैसे Br2 की रिएक्शन कराएंगे तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो अपने पास 2 सेपरेट एरोमेटिक रिंग्स का निर्माण हो जाएगा, अर्थात ये भी एरोमेटिक था और बनने वाला उत्पाद भी क्या हो गया, एरोमेटिक। और ध्यान रहे जितनी ज़्यादा सेपरेट एरोमेटिक रिंग्स बनेंगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी अपने पास। तो जब भी अपन एडिशन रिएक्शन कराएं Br2 की इसके साथ, तो सिंपल एंटी एडिशन मत करवा देना है यहाँ पर या यहाँ पर, आपको 9-10 पोजिशन पर 2 Br जोड़ने हैं। तो ये ध्यान रखना है 9-10 पोजिशन ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं किसकी, एंथ्रासीन की। तो ये 9 और ये अपने पास है 10 पोजिशन, इनको याद रखना है आपको। इसी तरह से ये देखो फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन में भी जो 9 और 10 पोजिशन अपने पास ये ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब ये दोनों एक डबल बॉन्ड के क्या हैं, टर्मिनल्स हैं, तो Br2 का एडिशन कहें तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ, यहाँ एंटी एडिशन हो जाएगा आराम से। ये देखो एंटी एडिशन हो भी गया, एक Br ऊपर है एक Br नीचे है, लेकिन एडिशन आपको यहीं करवाना है इसी डबल बॉन्ड पे, अन्य किसी डबल बॉन्ड पे नहीं जाना, क्यों, इसमें भी दो अपने पास सेपरेट एरोमेटिक रिंग से बन रही हैं। इसी तरह से यदि अपने पास Br2 की तरह अन्य कोई कंपाउंड हो XY या जैसे HX हो सकता है, तो उसका एडिशन यदि अपन टेट्रासीन पे करेंगे तो टेट्रासीन की या तो इस पोजिशन और इस पोजिशन पे टेक होगा या फिर यहाँ और यहाँ टेक होगा, क्यों, यहाँ और यहाँ अटैक होने से भी अपने पास से देखो एक सेपरेट एरोमेटिक सिस्टम ये बन गया और दूसरा सेपरेट एरोमेटिक सिस्टम ये बन गया। तो आपको यहीं जोड़ना है, यानी आपको सिरे पे नहीं जोड़ना है, क्योंकि सिरे पे जोड़ने पर वापस फिर एक ही एरोमेटिक सिस्टम बचता है अपने पास। अब